मन को, वाणी को और कर्म को, तीनों को नियंत्रित हम कैसे रखें। मनोदंड, वाग दंड और कर्म दंड में हम कैसे सफल हों, ये प्रश्न गुरुजी से पूछना चाहिए। और गुरुजी उत्तर देंगे, बेटे मनोदंड, वाग दंड और कर्म दंड, शम ध्यान करो, मन एकाग्र होगा तो मनोदंड तुम्हारा सिद्ध होगा। दम, जहां जहां फालतू जगह इंद्रियां जाती है दम मार के उनको वहां से हटाओ। मन वाणी कर्म इंद्रियों पर अधिकार बढ़ाते जाओ। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, मनोदंड, वाक दंड और कर्म दंड में तुम्हें सिद्धि दे देगा। ये तीन सिद्धि वाले का संकल्प समर्थ हो जाता है, यदि वो संकल्प चला है। मिट्टी पानी से ज्वार बाजरा हो जाए, विश्वामित्र के संकल्प से ज्वार और बाजरा हो गया, अभी तक चल रहा है। ब्रह्मा जी के संकल्प से चावल गेहूं जव हुए, अभी तक चल रहे। जिसका मनोदंड वाग दंड से जितने अंश में ज्यादा है उतना उसका संकल्प ज्यादा समय तक है। बारहवीं बात गुरुजी से ये भी जान लो, भगवान का ध्यान कैसे करें, कौन से भगवान का ध्यान करें, कैसा ध्यान करें, ये प्रश्न जान लो। जानना चाहते हो ऐसा प्रश्न? मुंह में पानी आए ऐसे प्रश्न है कि भगवान जो भरण पोषण करता है, गमनागमन की सत्ता देता है, वाणी वैखरी का उद्गम स्थान है, सब मिटने के बाद भी जो नहीं मिटते वो भगवान मेरे आत्मदेव है और सभी के आत्मदेव है, सभी के मन इंद्रियों को सत्ता, स्फूर्ति और ताजगी प्रतिदिन देते हैं। जो गहरी नींद में जाते हैं तो उन इंद्रियों का पालन करते और फिर उसी की सत्ता से हमारा मन इंद्रिय विचरण करते, वही गोविंद है, वही गोपाल है, वही राधा रमण है, वही सारे जगत के मूल सूत्रधार है। ऐसा सतत दृढ़ चिंतन करने से भगवान का ध्यान आंख बंद कर हुए तो भी रहेगा और हल्ले गुल्ले में भी भगवान का ध्यान बना रहेगा। ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखा, फ्रिज, गीजर, ये भिन्न भिन्न है लेकिन सब में सत्ता लाइट की है, विद्युत की है। ऐसी समझ, ऐसे ही सब भिन्न भिन्न देखते हुए भी अभिन्न तत्व से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा चिंतन, सुमरण और प्रीति पूर्वक ओमकार का गुंजन एक टक गुरु जी को ओमकार को देखे, भगवत ध्यान में प्रगति। गुरु जी से 13वीं बात जरूर सीख लेनी चाहिए, श्रवण कीर्तन कैसे हो। श्रवण, ब्रह्म ज्ञान का श्रवण कैसे हो, भगवत कीर्तन कैसे हो। गुरु जी बताएंगे कि भगवत जनों का संग और उनमें प्रेम होने से जो भगवत जन महापुरुष है उनके शरण में जाने से, उनके प्रति अहोभाव होने से, वो जब कीर्तन कराएंगे उनके प्रति अहोभाव होगा तो कीर्तन में रस शुरू हो जाएगा, उनके प्रति सद्भाव होगा तो उनकी वाणी में श्रवण अपने आप होने लगेगा। एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या, भगवान व्यास जी ने कहा, काम को जीतना है तो विवेक जगाओ, मुर्दे शरीर को देखो, बीमार को देखो, पुरुष को विकार हटाना हो तो स्त्री का शरीर मन से चमड़े रहित देखकर मन को समझाए, स्त्री को विकारों से हटना हो तो पुरुष के शरीर को चमड़े रहित कल्पना करे, इस प्रकार का ये नियम करे, 12 साल अभ्यास करने से काम विकार पर विजय आए। ऐसे क्रोध के लिए 12 वर्ष, लोभ और मोह अहंकार तो 60 वर्ष की साधना है, 12 वर्ष एक
विकार को भगाने में लगते हैं। फिर व्यास जी ने कहा कि इन सब को एक साथ भगाना हो तो एतत् सर्वम गुरु भक्त्या, ये सभी दोष गुरु भक्ति से एक साथ शांत होते, क्योंकि गुरु प्रीति से, गुरु भक्ति से गुरु प्रीति मिलेगी तो गुरु सुख बड़ा सुख मिलेगा, तो फिर नीचे सुख से मन उपराम हो जाएगा, प्रमोशन हो गया तो ये महिला कमिश्नर बन गई, अब पहले की पोस्ट की आसक्ति नहीं रहेगी, इनकम टैक्स कमिश्नर बन गई, बेटा पायलट बन गया, अब बेटा क्लार्क नहीं बन सकता, ये क्लार्क की पोस्ट पे नहीं जा सकती, ऊंची मिल गई ना पोस्ट। ऐसे ही भगवत रस आ गया, सदगुरु सानिध्य का रस आ गया, तो जिन साधकों को सदगुरु मिला उनका पहले की तुच्छ आदत है, जैसे कृपलानी बैठे अग्निपथ अखबार के मालिक, लाखों लाखों लोगों तक अग्निपथ का संदेशा गुरु पूनम को पहुंचाई कृपलानी, जिनके पास अग्निपथ अखबार पहुंची हुए हाथों पर करो, यही है उनके मालिक। पहले तो शराब आदि की आदत थी और ऐसी हालत की थी कि 1.5 लाख रुपए का लोन बैंक ज्वेलरी रखे बिना नहीं दे सकती थी। इनकी पत्नी आई कि मेरा मंगल सूत्र बैंक में गिरवी रखूं, मैं क्या काहे को 1.5 लाख की तो हम ही व्यवस्था कर देते। वो मिला और अब से तो अग्निपथ अखबार के मालिक हो गए, क्या क्या की प्रॉपर्टी हो गई, क्या क्या हो गया, ये है कृपलानी। तो सतगुरु के सानिध्य से जो सहज में मिल जाता है वो आदमी अपने बलबूते से संभव नहीं, हम अपने बलबूते से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे जो मेरे सतगुरु के सानिध्य से मुझे मिला। सीधी बात, आप अपने बलबूते से इतने शांत नहीं रह सकते जितना सतगुरु सत्संग के सानिध्य से। फिर गुरुजी से ये बात भी जान लो, स्त्री पुत्र ग्रह संपत्ति भगवान को अर्पण कैसे करें। स्त्री में, घर में, संपत्ति में ममता रहेगी तो कितना भी होशियारी छांटे, लेकिन जहां ममता है मर के वहीं भटकेगा, तो ये भगवान के कैसे माने, भगवान के कैसे जाने। वास्तव में 5 भूतों की गहराई में भगवत सत्ता है, तो सभी चीजें भगवत सत्ता से बनी है, भगवत सत्ता में रह रही है, भगवत सत्ता में खेल रही है। इसमें खाली ममता ही है कि मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरी स्त्री है, वास्तव में मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे कहने में नहीं चलता, मैं चाहता हूँ कि सदा जिए नहीं जिएगा, मैं चाहता हूँ बाल काले ना हो, सफ़ेद ना हो जाते, बूढ़ा ना पड़े तो पड़ जाता, जब शरीर ही मेरा नहीं तो ये मेरी स्त्री, ये मेरा पति, ये मेरी संपत्ति भ्रम मात्र है, वास्तव में भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। ऐसी प्रीति और समझ दोहराने से ममता की जंजीरें कटती जाएगी, ममता की जाल कटती जाएगी। तुलसीदास ने बताया सुंदर उपाय, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भव पार। वो जन्म मरण के चक्कर से दुखों से पार हो जाता है। महाराज जी पंद्रमा प्रश्न के, संतों में प्रेम होने से इतना फायदा होता है तो संतों में, संत वचन में प्रीति कैसे हो। आए है, है ना, गुरु प्रश्न, गुरु पूनम का पैकेज लग रहा है। संतों के सानिध्य से इतना भारी प्रेम, भारी लाभ होता है तो संतों में प्रीति कैसे हो। बोले संतों में प्रीति का एक ही उपाय है, उन्हीं की कृपा, ईश्वर की कृपा हो, उनकी कृपा हो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, मिले जो होए संत अनुकूला, वो भक्ति मिलती जब संत अनुकूल हो।
संत अनुकूल कब होंगे कि संतों के सिद्धांत के अनुरूप अपने को ढालने की खाली इच्छा ही करो। ढाल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, इच्छा ही करो बस। बच्चा पढ़ा लिखा थोड़ी कॉलेज में आता है, स्कूल में आता है, बाल मंदिर में आता है, पढ़ने की इच्छा मात्र से आता है और ग्रेजुएट हो जाता है। ऐसे उस इच्छा मात्र से आए तो भी हो जाए। प्रश्न बड़े जोरदार हैं, सुखदायी हैं और उत्तर भी सार का भी सार है। 16वां प्रश्न ये पूछूं, सबते सेवा धर्म कठोरा, तो ये कठोर धर्म में सफल होने वाली सेवा में हम सफल कैसे? हम सेवा में सफल कैसे? कशो होंगे, कशो कशो से सफल नहीं होंगे। सेवा के लिए ही सेवा करें, मन में ख्वाहिश कुछ रखें और बाहर से सेवा का स्वांग, ये समाज के साथ धोखा है। जो समाज को धोखा देता है खुद को भी धोखा देता है। सेवा का लबास, सेवा का बोर्ड लगाकर अपना उल्लू सीधा करना, ये उल्लू लोग जानते। सच्चा सेवक तो सेवा को इतना महत्व देगा कि सेवा के रस से ही वो तृप्त रहेगा। तो सेवा कैसे की जाती है? बोले भगवान की कृपा से ही ईमानदारी की सेवा होती है। नहीं तो सेवा के नाम पर हमारी बस सर्विस पिछले 40 वर्ष से सतत प्रजा की सेवा में है। हमारी रेलवे इतने वर्षों से सेवा कर रही है। पोस्ट ऑफिस सतत सेवारत है। हमारी कंपनी सेवा कार्यों से पिछले 40 साल पूरे करके अब 41वें वर्ष में अब सेवा किया है कि अपने बंगले बनाए हैं और मर्सिडीज लाए हैं। अपनी वासना पूर्ति का नाम सेवा नहीं है, वासना निवृत्ति हो जिस कर्म से उसका नाम है सेवा। अहंकार पूछने का नाम सेवा नहीं है। मन चाहा काम तो कुत्ता भी कर लेता है। आपने देखा होगा कि आप हाईवे पे जाते हैं, सड़क पर गाड़ी दौड़ाते, तो कई बार कुत्ते आपकी गाड़ी को भौंकते हुए थोड़ी देर रेस लगा देते हैं। ये मन चाहा काम तो कुत्ते भी खोज लेते हैं। मन चाहा तो ये पतंग ये भी लाइट के दिए के आगे आ जाते हैं। आप मन चाहा करोगे तो आपका मन आप पर हावी हो जाएगा। जिसमें आपकी रुचि नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन शास्त्र और गुरु कहते हैं कि ये करना है, बस बात पूरी हो गई। मैं आपको आप बीती बता दूं, ये 16 प्रश्नों के उत्तर तो हो ही गए। मेरा स्वभाव इतना एकांत प्रिय था कि नर्मदा के किनारे गुफा मिली थी, किसी दत्त गुफा किसी व्यक्तियों की परंपरा की थी। उस ब्राह्मण ने मेरे को दिया भजन करने के। फिर अंदर से प्रेरणा हुई, लीला शाह बापूजी के पास जाओ, सब कुछ हो जाएगा। वहाँ गया और बापूजी के पास डीसा का कोई कॉरपोरेटर बड़ा चालाक था, हेरा फेरी वाला, उसने कोई जमीन दबाई और वहाँ उसको अपनी अस्पताल खोलनी थी। लेकिन विरोध पक्ष को पता चल गया कि ये इसने जमीन दबाई। विरोध पक्ष ने उछाला तो उसने बोला मेरा है ही नहीं, ये तो साईं लीला शाह का आश्रम है। बोर्ड लगा दिया, लिख लिया, और लीला शाह का तो बापू का तो कोई आदमी नहीं। बम्बई हम थे गुरु जी के पास गए, उधर पहुंच गया, आश्रम बनाया आपके नाम का है। तो मेरे पर गुरु जी ज्यादा खुश रहते थे, तो पुराने जो लोग थे उनकी आँख की ककड़ी था मैं कि ये आगे आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, कॉम्पिटिशन तो सब जगह होती। उन्होंने बापूजी को प्रार्थना करा, अब बापूजी ने बोला ठीक है इसको भेज दो नए साधक। अब मैं वहाँ गया तो झोपड़पट्टी मौके की जगह थी, लेकिन एंक्रोचमेंट जहाँ था वहाँ उसने अपना कर ला। जहाँ मुंबई में भी कई ऐसी क्रीम एरियाओं में झोपड़पट्टियाँ हैं, तो वहाँ डीसा में थे। तो
हम तो एक दिन भी ना रह सके। गुरु जी को दो चार दिन के बाद पत्र लिखा, यहाँ झोपड़पट्टी ऐसा ऐसा है, कुत्ते भूखते फलाना, वहाँ की जो भी परिस्थिति थी थोड़ी बहुत खटकते थे, ध्यान भजन हो ही नहीं। गुरु जी ने उत्तर में भेजा कि झोपड़पट्टी है तो क्या है, और कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? और झोपड़पट्टी वाले आपस में लड़ते झगड़ते गालियां देते तो आकाश में चली गई, तुम्हारा क्या जाता है, वहीं रहो। फिर 10 15 25 दिन हो तो फिर मन उछले, ऐसा ऐसा होता है मन में, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। 7 साल वहां रहा मैं। अडीसा अहमदाबाद का अंतर दिन में 4 बार आ सके, पालनपुर से 20 किलोमीटर, 20-25। 7 साल में हम एक बार तो क्या, एक मिनट के लिए भी अपने घर नहीं गए। मेरी माँ की बहू को हमने हाथ नहीं लगाया, उसने भी बिचारी ने हाथ नहीं लगाया। हाँ, हमको अहमदाबाद से नर्मदा किनारे जाना पड़ता था बापू की सम्मति लेकर, लालजी महाराज और नर्मदा के किनारे का थोड़ा प्रेम होता था तो कभी कभार आज्ञा मंगाते। फिर अहमदाबाद को पार करके जाना होता था तो रात्रि सुबह की गाड़ी है वहाँ से नर्मदा किनारे की, तो रात्रि अहमदाबाद में 2-3 बार ठहरना पड़ा, तो हमारे मित्र के आम ठहरते थे। जब हमको ठहरना होता 2-4 दिन पहले, उसकी टेरिस का किराएदार चला जाता और मेरे लिए खाली रहती। हम गुरु से वफादार तो कुदरत और भगवान हमारे लिए क्या नहीं किए। हरगोविंद पंजाबी उनका नाम था। तो ये नारायण की माँ मेरे को भगवान करके पूजती या अर्घ दे के फिर व्रत छोड़ती खोलती है, ऐसे नहीं खोलती। मेरे प्रति उसकी श्रद्धा है, जिस जितना करीब होता है उतना उस व्यक्ति को आदमी जानता है, तो श्रद्धा टिकना कोई मजाक की बात नहीं है। दूर के आदमी की तो श्रद्धा टिक जाए, लेकिन बहुत निकट वाले की श्रद्धा टिकता है तो कुछ है ऐसा। मेरी माँ मुझे गुरु मानती है, या नारायण की माँ या नारायण मेरे को गुरुदेव मानता है, ये तो ये सब ये सद्गुरुओं के नियम पालन से आपका मन आप पर हावी नहीं होगा, तो दूसरे का मन आपके प्रति अहोभाव से भर जाएगा। अगर आपका मन आपके ऊपर हावी है तो दूसरों का मन आपके प्रति अहोभाव से नहीं भर सकता है। इतना भी बड़ा सिकंदर हो, हिटलर हो, रावण हो, उसके लिए आपका मन अहोभाव से नहीं भरता। और हाय सीते सीते भाई लक्ष्मण, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, आंख खोलो, रुदन करते हुए राम जी के प्रति भी आपका मन अहोभाव से भरा रहेगा। भाई प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, श्री राम चंद्र कृपालु भज नहरण भव भय। तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् अजानु भुजेश्वर चापधर संग्राम दीप कर दूषणम् इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल जो मिल सोमन सहज सुंदर सावर सिंधु सने गुजा।
अति गौरी आशीष सुनिसिया सही दहिया हरषि मने तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले सुजान गौरी अनुकूल सिया ही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बामंग फर कना लगे हरि ओ आनंद आ गया। राम जी अपने गुरु के प्रति अहोभाव है तो हमारा राम जी के प्रति अहोभाव हो जाता। जो गुरु से वफादार है दुनिया उससे वफादार, जो गुरु से गद्दार है बेवफा है तो उसका मन भी उसे बेवफाई है। उसका मन उससे बेवफा होता है तभी गुरु से बेवफा होता है। मेरे गुरुदेव के जीवन को मैंने देखा कितनी नम्रता है, सामर्थ्य कितना और नम्रता कितनी। गांधीधाम से गोपालपुरी कच्छ वालों को पता होगा, गाड़ी जा रही थी, बापूजी ने पूछा ये गाड़ी कहाँ जा रही, बोले साईं गोपालपुरी अपने आश्रम के पास है, बोले इसको बोलो ना रुक जाए, बोले बाबा मैं रेलवे का ऑफिसर हूँ मैं जानता हूँ, प्लेटफार्म छोड़ी हुई गाड़ी यहाँ तो नहीं रुकेगी, कोई स्टेशन होगा तब। अरे तू बड़ा ऑफिसर है बोल दे ना रुक जा, बोल दे रुक जा माई रुक जा, भी माई भी गाड़ी रुक गई। उसको आश्चर्य हुआ, मेरे गुरुजी और वो रेलवे ऑफिसर बैठा, बोले तू तो अधिकारी है तेरे को टिकट ना भी लेनी पड़े, मेरी टिकट तो ले आ, बोले गाड़ी चल पड़ेगी। अरे कैसे चलेगी, तूने रोकी है, तू चलाएगा तब चलेगी। वो टिकट लेके आया गोपालपुरी स्टेशन से, जो कच्छ में है जानते हैं गोपालपुरी स्टेशन, बैठा, बोले गाड़ी रोकी तो चालू भी करके आने। वो ड्राइवर लोहे के डंडे लेकर सब खटाखट करके देख रहा है, ले जा कर मंडल, तीन अंजलि मार, चल माई चल, गाड़ी को तीन छांटे मारे और गाड़ी चल पड़ी। ऐसा समर्थ महापुरुष जो जड़ पर भी अपनी आज्ञा चला सके, मैं ऐसे गुरु का शिष्य होने का गर्व है मुझे। विदेशी लोग गर्व का अनुभव करते हैं कि हमारे टॉल्स्टॉय गुरु है। ईश्वर तो जीव के कर्मों के अनुसार उसे जन्म देता है, लेकिन सदगुरु कर्म बंधन काटकर उसे मुक्त आत्मा का पता करा देते हैं। वल्लभाचार्य भगवान ने लिखा है कि ईश्वर में 30 दिव्य गुण हैं, लेकिन ईश्वर को पाए हुए महापुरुष में 36 गुण हैं। ईश्वर निराकार है, वो साकार है। ईश्वर रोकते टोकते डांटते घड़ाई पिटाई नहीं करते, वो घड़ाई घुटाई पिटाई करते। लाल्यते बालवत मना, हमारा लालन पालन बच्चे की नाई करके उंगली पकड़ के चलाते हैं। इसीलिए गुरु पूजन ये अपने ज्ञान के आदर का पूजन है, अपने मोक्ष का पूजन है, अपने माधुर्य का पूजन है। ये गुरु पूजन परंपरा तभी तक चली रहेगी जब तक मनुष्य को ऊंचे ज्ञान की आवश्यकता, ऊंचे सुख की आवश्यकता और प्रकृति की पराधीनता से पार होने की जिज्ञासा होगी। मर जाए फिर क्रिकेट हो गए राजा नरक, मर गए इब्राहिम लिंकन प्रेत हो गए, इन दुख योनियों से छूटकर परम पद को पाने की लालसा रहेगी तब तक ये गुरु पूनम की परंपरा बनी रहेगी। ओ श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ गुरु के चरण चौकट में पग कठोतिम ने धराते, सीता और राम जी श्री वशिष्ठ के चरण धोते चरणामृत लेते, इससे राम जी का बड़प्पन ही दिखता है। श्री कृष्ण अपने गुरु के लिए लकड़ियां उठाने जाते, लकड़ियां चुनते, गुरु की गाय चराते, गोबर उठाते, इससे भगवान का भगवतपना प्रकट होता है। यज्ञ में श्री कृष्ण जूठी पत्तले उठाते संतों की और चरण धोते हैं, हमें संदेश देते हैं कि मूर्ति पूजा और जलाशयों की पूजा से ऊपर उठना है तो किसी जागृत महापुरुष को खोज लो। कबीर जी कहते हैं, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। मुझे तो सिर नहीं देना पड़ा और गुरु जी मिल गए। रियो नैना नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जापान में, जितनी बाहर से खूबसूरत थी उतनी बुद्धिमता में भी खूबसूरत थी।
और उसने राजा रानी को ऐसा तो अपने कार्य कुशलता से वश कर लिया कि राजा रानी दिखते थे राजा रानी, लेकिन राजा भी रियो नैना थी और रानी की गुरु भी रियो नैना बन गई। बाहर से गुरु नहीं बनी, लेकिन रानी को जो संदेश कह दे संकेत बीरबल की आज्ञा से अकबर करे। दिखता है बीरबल नौकर, अकबर राजा, लेकिन बुद्धि से अकबर बीरबल का कहना मानते थे। ऐसी रियो नैना रियो नैना ने देखा कि आयुष्य नाश हो रही है, कुछ मुझे पाना चाहिए। रियो नैना का वैराग्य फिर से सोया वैराग्य जग उठा और जापान के जैन संप्रदाय के दूसरे गुरु को खोज लिया। उसका नाम था हाकुओ, पृष्ठ हाकु। हाकुओ के पास गई और आजी निजारी हाथा जोड़ी की कि जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है, मनुष्य जीवन है अपने सौल को, अपने आत्मा को, परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन बिना गुरु के संभव नहीं है। अकेले कुछ भी प्रयत्न करेगा तो व्यक्तित्व तो बना रहता है, अहम बना रहता है, और अहम बनाकर तपस्वी तपस्या करके कुछ भोग पाएगा, योगी योग करके थोड़ी शांति पाएगा, लेकिन अहम है तो फिर समाधि से उठते ही विक्षेप होगा। कर्मी कर्म करेगा, सुख दुख भोगेगा और आयुष्य नष्ट करेगा। इसलिए मुझे आपके संघ में प्रवेश मिले, इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। रियो नैना ने कहा कि आखिर तेतसाग गुरु ने मुझे प्रवेश नहीं दिया, मैं आपके पास आई हूँ, आप भी मुझे इम्पॉसिबल कहते हैं तो पॉसिबिलिटी कहाँ होगी। बोले तेरे लिए कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, तेरे लिए कहीं संभव नहीं है कि तू किसी धर्म स्थान पे रह सके। बोले मेरे में क्या गलती है तो मैं निकाल दूँ, तेरा सौंदर्य इतना है कि तू आश्रम में रहेगी तो कई दूसरे भिक्षुकों की मानसिकता तेरे को देख कर नीचे के केंद्रों में जाएगी, मेरे आश्रम के भिक्षुकों का पतन होगा। इसलिए अच्छा, मेरा सौंदर्य ही ईश्वर के रास्ते जाने में अड़चन है, ऐसा उसने मन में मान लिया। कपड़े स्त्री करते ना, प्रेस करते, वो धधकती आग जैसी स्त्री लेट गई, कपड़ों को तो प्रेस कोई करो, उसने अपने चेहरे को प्रेस कर दिया धधकती तप्त स्त्री से, अपने चेहरे को जला दिया, दोनों तरफ रख दी स्त्री। माया तुम ऐसा गलती नहीं करना, करोगी भी नहीं। तो फूलने हुए, पानी भरा, ये हुआ, इलाज हुआ, ठीक ठाक हुई, लेकिन चेहरा तो भयंकर बद्दा हो गया। और गुरु के द्वार गई, मेरा सौंदर्य ईश्वर की प्राप्ति में अड़चन था, वो सौंदर्य मैं जला कर आई हूँ, अब भी आप मुझे स्वीकार करने की कृपा करो। हाँ, कोई ने कहा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, क्योंकि मरने वाला सौंदर्य को कुर्बान करता है, उसका असली आत्मिक सौंदर्य है। मरने मिटने वाले अहम को जो मिटाता है उसका शाश्वतमय जागता है। ये हाकुए ने नहीं कहा, मैंने मिलाया। रियो नैना को दीक्षा मिल गई, संघ में जुड़ गई। फिर उसको योग विद्या, आत्मविद्या कितनी मिली और आत्म साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ, आत्मज्ञान था कि नहीं, वो बयान नहीं आता पुस्तक में। लेकिन मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा फायदे में मेरी बच्चियाँ और बच्चे हैं। न चेहरे पर स्त्री घुमानी पड़ती है, न गुरु के द्वार से ठुकराया जाता है। चेहरे पर स्त्री तो नहीं रखनी पड़ती, लेकिन खोपड़ी पे अस्त्रा घुमाकर अपनी आध्यात्मिक पिपासा की सौंदर्यता का परिचय देकर वो जाते भरती और हंसते खेलते वेदांत और सेवा उनके हाथों पहुंच जाती। रियो नैना से भी ज़्यादा हमारी बच्चियां भागशाली, हमारे बच्चे भागशाली, और उन्हें स्त्री नहीं रखनी पड़ती, खोपड़ी पे अस्त्रा घुमा देते, नारियल वाले बन जाते, नारियल वालियाँ बन जाती।
मेरा तो ऐसा मानना है, आपका इस मानने से सहमति हो तो हाथ ऊपर करो। आप भी सहमत हैं, ठीक है।